इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगेन गोंकर की एक प्रॉब्लम है और वो है बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए। तो बीसीडी जो कोड है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ए बीसीडी नंबर बिटवीन 0 एंड 99 इज स्टोर्ड। तो 8 बिट में, देखो 8085 जो है 8 बिट का प्रोसेसर है, तो जो बीसीडी नंबर है मैक्सिमम 99। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई पैक्ड नंबर, पैक्ड बीसीडी नहीं है। पैक्ड बीसीडी में क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल अलग अलग नंबर हैं, उन दोनों को पैकिंग की जाती है एक ही बाइट के अंदर, ठीक है, 4-4 निबल उनको यूज़ करके। तो जब भी उनको दोबारा रीयूज़ करते हैं नंबर को, तो वापस हमें अनपैक करने होते हैं और उसको हमें फिर जो जिस तरह मतलब अनपैक करने के बाद फिर उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नंबर दिया है 0 एंड 99, सही है, बिटवीन 0 एंड 99, तो कोई एक नंबर है, तो वो जो नंबर है वो आपका 2 डिजिट नंबर है, कोई पैक्ड बीसीडी नहीं है, ठीक। इन रीड राइट मेमोरी लोकेशन कॉल्ड द इनपुट बफर, इन बफर के नाम से है, तो उसका एड्रेस ले लेंगे इन बफर। तो ये जो बफर है ये बेसिकली क्या है, रीड राइट मेमोरी, यानी रैम का जो है कुछ पोर्शन को इनपुट बफर बोला है, जहाँ पर वो नंबर स्टोर है। राइट ए मेन प्रोग्राम एंड कन्वर्जन सबरूटीन टू कन्वर्ट, तो मेन प्रोग्राम बनाना है, फिर उसका एक सबरूटीन बनाना है जहाँ पर हम बीसीडी से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द बीसीडी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर और उस बाइनरी नंबर को एक आउटपुट बफर, तो जो इनपुट है वो उठाना है इस मेमोरी लोकेशन से, जो हमारी रैम है तो उसमें हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसको इनपुट बफर नाम दे दिया है, तो उसका एड्रेस हो गया बेसिकली ये, ठीक है, मतलब लेबल हो गया एड्रेस का। और जहाँ पर उसको स्टोर करना है, जो उसका आउटपुट आएगा, जो बाइनरी नंबर बन के आएगा, उसको हमें स्टोर करना है, वो भी रीड राइट मेमोरी में है, और उसका नाम दे दिया आउट बफर, तो उसको लेबल लगा देंगे आउटपुट बफर। तो अब इसको एक बार समझ लेते हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो कोई मैं यहाँ पर कोई एक नंबर ले लेता हूँ ऐसे ही रैंडमली, तो सपोज़ करो नंबर है मेरे पास 54, ठीक है, तो नंबर है मेरे पास 54 जो हमारा सेव है 0 टू 99, सही है, ये कोई बीसीडी नंबर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 50 इन दोनों को, जो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है और जो हमारी 10 डिजिट है, इन दोनों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए वही जो अनपैक वाली है जो स्ट्रेटजी है वही हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसको 04 बनाएंगे, तो ये तो हो गई हमारी यूनिट डिजिट, ठीक है, और फिर इसको बनाएंगे 05, तो ये हमारी हो गई 10 डिजिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 4 वाला है इसको तो एज इट इज रखेंगे, जो 5 वाला है जो 10 डिजिट है तो उसको 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सही है, तो हेक्स में लिखेंगे तो 0A, ठीक है, अगर उसको आप डेसिमल में लिखना चाह रहे हो तो उसको 10, ठीक है। अब क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है डिजिटल डिवाइस जो काम करती है बाइनरी पे, तो जो जो उसके ऑपरेशन हैं, जो अरिथमेटिक हैं चाहे लॉजिकल हैं, वो सब बाइनरी वाले ही हैं, तो उसको हमें अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ता है। वो देखो अगर वो 9+1 करेगा तो जो हमारा बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है, अगर उसको 9+1 कराओगे तो वो उसको 0A आएगा आंसर, सही है, और हमारे अकॉर्डिंग 9+1 आता है जो हम यूज़ करते हैं तो वो आता है 10, तो 0A और यहाँ पर 10, सही है, तो इसमें 6 ऐड करते हो 10 बनाने के लिए, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर वाली कैलकुलेशन में हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आए, यानी वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर काम करता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम पे, तो हम चाहते हैं कि वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करे, तो उसके लिए जो बीच में जो ये एक तरह से ओवरहेड है, तो उस ओवरहेड को इसमें हम हर ऑपरेशन के बाद ऐड करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर समझो क्या है, तो 5 की मल्टीप्लाई 0A से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये 10 डिजिट है, 10 डिजिट का मतलब है 50 है, सही है, तो 50 जो अगर ये बन के आएगा, तो ये 50 ये अगर इन दोनों को अलग अलग भी करोगे, तो 4 को अलग किया तो 50 बचा, तो 50 जो है ये अभी भी बीसीडी ही है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके वेटेज के हिसाब से, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे, तो जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 50 आएगा, पर माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हम तो 5 अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो इसका मतलब ये है कि 5 को 10 टाइम्स ऐड करना है, क्योंकि जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाली कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो डायरेक्ट नहीं करता,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटेटिव एडिशन करने पड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और या सब्ट्रैक्शन के लिए करना पड़ता है रिपीटेटिव डिवीजन, सॉरी रिपीटेटिव हमें सब्ट्रैक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है, डिवीजन के लिए। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 10 से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 को हम 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, है ना, यही मतलब हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, जब हम उसको अपने अकॉर्डिंग डिजिटल में करते हैं तो 5 + 5 होता है 10, पर माइक्रोप्रोसेसर देता है 5 + 5 0A, फिर 5 ऐड करोगे तो ये बनेगा BCDEF, तो ये प्लस बन के बनेगा 0F, और ये क्या बन जाएगा जब हम डेसिमल में करते हैं 15, ठीक है ना। तो अब ये जो है 0F, तो माइक्रोप्रोसेसर जब करता है तो वो बाइनरी में करता है ऑपरेशन, और हम जो करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर हेक्स में काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम 5 ऐड करते रहोगे तो ये जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है बाइनरी कोड। तो पहले हमें 50 जो BCD वाला है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई या 5 को 10 टाइम्स ऐड करके या 10 को 5 टाइम्स ऐड करके, दोनों केस हैं, 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हो या 10 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हो। तो 10 को या तो 5 टाइम्स ऐड कर लो या 5 को 10 टाइम्स ऐड कर लो, ठीक है। तो 10 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका एग्जीक्यूशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अगर 5 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो लूप 10 टाइम्स चलाना पड़ेगा, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेगा, इससे डबल टाइम लेगा, है ना। तो जब 50 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो यूनिट डिजिट है उसको ऐड कर दे देंगे, जो ये यूनिट डिजिट है उसको हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, सही है, और वो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है, 0 से 99 अगर कोई BCD है तो जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो 99 से लेस ही आएगा। अगर 99 है तो मैक्सिमम कितना, तो कहने का मतलब है मैक्सिमम 8 बिट में ही आएगा, बस समझ रहे, उससे ऊपर जाएगा नहीं। तो जब 8 बिट में आएगा तो वहाँ पर कुछ भी कैरी वैरी का इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, तो सिंपल प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। पर इसके उलट अगर हम बाइनरी से अगर BCD में कन्वर्ट करें तो बाइनरी नंबर FF तक भी हो सकता है, सही है, और FF को अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 255, तो ये थ्री डिजिट लेता है। तो माइक्रोप्रोसेसर हमारा 8 बिट का, तो 1 बिट को हमें अलग से इसको सेव कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इसको यहीं छोड़ देता हूँ। अब आते हैं अपने प्रोग्राम पे, तो समझ में आया हम क्या करने वाले हैं। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे, तो यहाँ पर इन्होंने इसको एक बफर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बात देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशन को। तो पहले समझ लेते हैं मेमोरी वाला और ये इनपुट बफर आउटपुट बफर है क्या चीज़, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा एड्रेस ना देके उसका नाम दिया है इनबफ और आउटबफ, सही है। तो इनपुट बफर आउटपुट बफर, तो हमारा मेमोरी है कोई यहाँ पर रीड राइट मेमोरी है, ठीक है, और स्टार्टिंग है यहाँ पर कोई नंबर सेव है, एक ही नंबर है कोई BCD नंबर, तो वो है इनबफ, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर कोई नंबर कुछ भी मान लो, अभी मैंने लिया पता नहीं क्या माना था, 59 माना था, कुछ भी, हाँ कुछ भी नंबर ले लेते हैं, तो 45 ले लेता हूँ, चलिए। तो 45 जो है ये कोई BCD नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लोकेशन पे, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और उसको सेव करना है आउटबफ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं सेव कराना है तो आपकी चॉइस है, इनपुट बफर को आप कोई एड्रेस दे दो, ठीक है, या उसको सीधा सीधा लेबल लिख दो, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा सिमुलेटर पे ये प्रोग्राम, क्योंकि आपको एड्रेस देना पड़ेगा स्पेसिफिकली, ठीक है, इन बफ आउट बफ, या एक बार उसको करके देख लेंगे, ठीक है। तो इन बफ मान लो अगर हमने लिया 2050H और आउट बफ ले लिया हमने ऐसे ही 2070H, ठीक है, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो इन बफ और आउट बफ की जगह अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या है, मेमोरी है, मेमोरी के दो पार्ट हैं, तो यहाँ से इसको उठाना है, इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में और फिर सेव करा देना यहाँ पर, बस ये काम करना है, सिंपल सा है ना। चलो अब आगे चलते हैं, तो प्रोग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर सब रूटीन बनवा रहे हैं, तो सब रूटीन बना रहे हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी, कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज कर दिया इसको स्टैक पे, तो स्टैक का ये एड्रेस है,
जहाँ पर उसको करना चाहते हो, तो इससे ऊपर कहीं भी चला जाके रैम का जो लास्ट है, रैम की लोकेशन है, उससे उसको इनिशियलाइज़ कर दो। उसके बाद यहाँ से उठाना है इस बाइट को, है ना, इस बाइट को उठाना है तो हमें क्या एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा। तो HL पॉइंटर सेट कर दिया इन बफर के नाम से, और एक दूसरा पॉइंटर जो इसका जब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, इसको वापस सेव करना है किसमें, आउटपुट बफर में। तो इसको एक दूसरा पॉइंटर बना दिया, तो यहाँ पर ये है हमारा सोर्स पॉइंटर और ये जो BC है ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंटर। तो HL पॉइंटर जो है सोर्स पॉइंटर है और BC जो है हमारा डेस्टिनेशन पॉइंटर है। उसके बाद इन बफ यहाँ से जो भी जो कंटेंट है इस मेमोरी लोकेशन के, ये सपोज करो 45 है, और इसको एक्यूमुलेटर में लेके आए। एक्यूमुलेटर में लेने के बाद इसको कॉल BCD बाइनरी, तो BCD बाइनरी, तो BCD से बाइनरी कन्वर्जन का प्रोग्राम है इधर, सही है। तो ये इसका सब रूटीन बनाया हुआ है, और उसके बाद इसको हम एक्यूमुलेटर में जो भी आएगा उसको स्टोर करा देंगे, सही है, आउटपुट बफर में। तो जब STAX, तो जो भी आएगा एक्यूमुलेटर में स्टोर होके, मतलब प्रोग्राम के बाद आउटपुट में, उसको स्टोर करा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, आउटपुट बफर वाली लोकेशन पे। तो अब इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो हम जो रजिस्टर है यहाँ पर बी और जो सी है, जो रजिस्टर पेयर है, उसको हमने आउटपुट बफर का पॉइंटर बनाया हुआ है, ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंटर, इसको हमने बनाया हुआ है H को सोर्स पॉइंटर। तो यहाँ पर क्या किया है, पुश बी BC को और DE को, अगर कोई वैल्यू है वैसे ही, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कहीं पर हमारा ये यूज़ नहीं हो रहा है पुश और डी, ठीक है। तो पहले कोई भी कंटेंट होंगे, तो क्योंकि हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो इस इंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, फिर भी वो दी है, गौंकर की प्रॉब्लम है तो उसमें दी है, तो ठीक है। जितने पॉइंटर हैं हमने उसको करा लिया स्टैक पे सेव, कि अगर कोई प्रीवियस पहले उनका कुछ यूज़ हो रहा था, तो HL को नहीं कराया क्योंकि HL की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो HL को एज इट इज रहने दिया, तो इस सब रूटीन में हमें HL को यूज़ नहीं करना है। अगर HL को यूज़ करते इस सब रूटीन में, तो इसको भी हम स्टैक पे सेव करा देते हैं, ठीक है। और डी का कुछ है ही नहीं, तो डी को हमारा मेन प्रोग्राम में कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा, और इस प्रोग्राम में कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्लियर करा सकते थे, उसको पुश डी कराने की ज़रूरत नहीं थी। पर ठीक है, तो गोंकर में लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसको हमने क्या कराया था, जितने भी हमारे पॉइंटर हैं जो हमारे मेन प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं और ना भी हो रहे हैं, उन सबको हमने स्टैक पर सेव करा दिया, स्टैक करा के उसको आगे बढ़े। तो स्टैक पर सेव करा दिया, तो यहाँ तक तो ये बॉडी है कि जो पुराने हैं, जो हमारा काम है, उसको हमने सेव करा दिया, और जब नेक्स्ट वहाँ से वापस इस पे जाएंगे, फिर दोबारा वहाँ से शुरू करेंगे। अब उसके बाद तो एक्यूमुलेटर में आ गए हमारा कंटेंट, एक्यूमुलेटर में कंटेंट है हमारे 45, तो 45 आया हमारा बी में, इसको सेव करा लिया बी में। तो बार बार इस इंस्ट्रक्शन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये 70 स्टेट लेती है ना, ये गोल आपकी 40 स्टेट लेती है, ठीक। तो उसके बाद क्या किया है, इसको ANI 0FH, तो 0F किया, तो हमने यहाँ से हमें मिल गई यूनिट डिजिट, तो 45 में यूनिट डिजिट है 5, ठीक है, और उसको सेव करा लिया सी रजिस्टर में, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर सी में जो है, ठीक, तो सी में हमारा 05H स्टोर है, ठीक है। तो उसको बाद में जब उसको ऐड करेंगे, तो अभी हमें क्या देखना है, 10 डिजिट को देखना है। फिर बी से वापस लिया, तो 45 को वापस ए में लिया, अब यहाँ से हमने निकाला, तो अब एक ही कंटेंट है यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के बाद, ANI F0 के बाद A=40H। अब यहाँ पर जंप इफ 0, अगर 0 है तो BCD1 पर चले जाओ क्रॉस करके, अगर नहीं है, सही है, 0 तो नहीं है, 40 आया, 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, RRC, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक। अगर सपोज करो 10 डिजिट ही नहीं है, तो 0 से दिया है, तो अगर 0 से 9 तक कोई नंबर है, तो बस यहाँ पर ही काम खत्म हो जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, है ना। पर अगर 9 से ज़्यादा है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारा ज़्यादा है 45 है, तो 45 है तो ये 0 हुआ नहीं, तो BCD1 पे ये जाएगा नहीं, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको इसको इसको, तो यहाँ क्या बनेगा, A=2, इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा 04H, तो ये हमारी है 10 डिजिट, इसको स्टोर करा दिया डी में, तो डी के कंटेंट क्या हो गए, 04H। तो सी में है हमारी 5 यूनिट डिजिट और डी में है हमारी 10 डिजिट। अब उसके बाद एक्यूमुलेटर को क्लियर करा दिया, तो एक्यूमुलेटर को 0 करा दिया, XRA 0 करा दिया, सही है। अब उसके बाद क्योंकि वो 10 डिजिट है ये वाली, तो हमें क्या करना है, इसको 4 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें एक रजिस्टर ई लिया, उसमें हमने
स्टोर किया 0AH, ठीक है, तो 0AH या मतलब 10, ठीक है, तो हमारे लिए 10 है, माइक्रोप्रोसेसर के लिए 0AH है। अब उसको उतने टाइम उसको ऐड कराएंगे, तो 0A को या तो आप 4 टाइम्स ऐड करा दो या 4 को 0A टाइम्स ऐड करा दो, तो 10 को अगर 4 टाइम्स ऐड कराओगे तो लूप जो है 4 बार चलेगा और जो एग्जीक्यूशन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सही है। अगर आप 10 टाइम्स चलाओगे तो लूप ज़्यादा टाइम चलेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। तो ऐड ई, तो एक्यूमुलेटर में अब ये ऐड होगा, तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो है 0 प्लस ई के कंटेंट है हमारे 0A, और डी में जो हमने लिया है, डी में हमने लिया है यूनिट ये 10 डिजिट को, तो 04, तो 04 से ये बन गया 03 एक बार ऐड होने के बाद। जंप इफ नोट 0 सम, तो 0 नहीं हुआ डी, तो फिर वापस सम पर जाएगा, तो अब यहाँ पर ऐड होगा फिर अगेन 0A, ठीक है। फिर ये हो गया 2, फिर वापस इधर गया, तो ये हो गया हमारा फिर प्लस 0A, फिर ये हुआ 01, फिर उधर गया अभी भी नहीं हुआ, फिर प्लस 0A और करेगा, और उसके बाद ये होगा 00 और इससे ये बाहर आएगा, और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा एड सी, तो एक्यूमुलेटर में ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हुआ 0A मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। ये हेक्स में निकालना है, तो जो हेक्स वैल्यू है वही बाइनरी वैल्यू है, तो हेक्स वैल्यू है हमारी 2 डिजिट में और बाइनरी वैल्यू जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 8 बिट में। उसके बाद जो यूनिट डिजिट है सी, तो सी को हमने कहाँ ऊपर सेव किया हुआ है, हाँ यहाँ पर 5 में, तो उसको हमने क्या करा दिया, इसके साथ ऐड करा दिया, तो जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है वो सी के साथ यहाँ पर ऐड करा दिए, ए प्लस सी, तो एक्यूमुलेटर में अब क्या है ए प्लस सी, जो ए में है यूनिट डिजिट कंटेंट और सी है जो कन्वर्टेड है बी सी डी से बाइनरी में, ठीक है ना। उसके बाद पॉप डी पॉप बी, वापस जा रहे हैं अपने कहाँ मेन प्रोग्राम में, तो जो पुराने जो हमने सेव किए हैं उनको हम क्या कर लेंगे, वापस रिट्राइव कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, तो वापस उन रजिस्टर को लेंगे, और फिर हम यहाँ पर प्रोग्राम लाइन लिखी है STXB, तो जो भी बन के आएगा उन दोनों का ऐड एक्यूमुलेटर में है उसको हम सेव करा देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो वो कोड हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा, जो बाइनरी कोड आएगा, और उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ये हमारा प्रोग्राम है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपने इसमें ही प्रोग्राम के अंदर ही कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर प्रोग्राम लिखने के लिए आए तो आप इसको यूज़ कर लें, तो यही वाला लूप है। तो यहाँ पर एक नंबर एक्यूमुलेटर में, एक नंबर डी में रखो और दूसरा नंबर ई में दे दो, और दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ई मल्टीप्लाई बाई डी, यानी ई के कंटेंट है और डी के कंटेंट है, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी है ना। तो आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।